और गोवा आ रहे हो तो भाई रेस्टो पे विजिट भी करके जाना, मिल के जाना। अभी आसमान जैसा खुला हुआ है तो पहाड़ भी बड़ा प्यारा लग रहा है और कलर भी बहुत अच्छा हो गया सी का भाई आज तो। बीच पे देखो जी ऐसा बढ़िया वेदर हो रहा था और ये देखो बादल आ गए। सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 21 तारीख और 21 अक्टूबर आ गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अक्टूबर का महीना, दिवाली भी आने वाली है तो मतलब फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अब जो है दिवाली की छुट्टियाँ होने वाली हैं एक दो चार दिन के बाद में, तो जी अब दिवाली वाली सेलिब्रेट करेंगे, इधर की दिवाली दिखाएंगे कैसा होता है गोवा में। फिलहाल पहले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और कुछ सामान वान आ रहे हैं तो भाई वो सारी चीज़ें रखवाते हैं, सामान सेट करवाते हैं, बाकी दिखाते हैं क्या क्या आज करेंगे भाई अपना पूरा दिन। चलो जी, मोनिका बैठी हुई अभी फ़ोन में लगी हुई है और वो ऐसी लगी रहती है पूरा दिन, कुछ काम नहीं करती है यहाँ पे, पूरा दिन ऐसी लगती है। तो जी अपना आ गया आइसक्रीम का फ्रिज मतलब डीप फ्रीजर, मिल्की मिस्ट उससे आया है और अभी भाई आइसक्रीम का स्टॉक भी जल्दी आने वाला है तो आइसक्रीम की डिमांड होती थी यहाँ पे भाई जो नहीं मिल पाता था, तो अभी इसलिए मैंने वो आइसक्रीम का भी जुगाड़ कर दिया है। डेजर्ट के लिए भी ये अब हो जाएगा भाई, अभी हमारा डेजर्ट में कुछ था नहीं आइटम तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं कुछ होना चाहिए भाई, अपने सब्सक्राइबर लोग आते हैं तो वो ऐसे नहीं जाने चाहिए बिना कुछ मुंह मीठा किए, है ना मोनिका? हाँ। ये देखो मोनिका के चेहरे की खुशी रखने अच्छा है ना। अभी बियर का गिलास भी आपको एकदम ठंडा मिलेगा यहाँ पे रखा हुआ है इसमें, अभी भी ठंडा दे रहे थे बट अभी क्वांटिटी कम लगती थी हमारी क्योंकि हमारा जो डीप फ्रीजर है उसमें और भी सामान रखते थे। तो भाई आज के कुछ नज़ारे हो रखे हैं ऐसे, रात भर बारिश हुई है, बहुत तकड़ी बारिश थी और अभी देखो पहाड़ कितने क्लियर हो गए, एकदम साफ दिख रहे हैं मोनिका। हाँ। ये देखो भाई इधर से और रात पूरी रात बारिश पड़ी है, 11 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी जब हम क्लोज कर रहे थे और तब से लेके सुबह तक पड़ रही थी अक्षु के स्कूल जाने तक। और अभी देखो स्काई का कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो सामने के स्काई का कलर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। हाँ पर धूप आज बहुत कड़क नहीं है, बादल बादल हैं बीच बीच में और आज तो बारिश नहीं होनी चाहिए आज रात को, पर एक दो दिन में फिर हो जाएगी। हाँ तो बारिश जा क्यों नहीं रही ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इस बार तो बहुत ही हो गई, बहुत ही ज्यादा बारिश हो चुकी है अभी तक। अभी चलते हैं भाई, सामान वान लेकर आ रहे थे, शाम के 4 बज गए, 4 बजे लगे हुए कामों में, अभी जाके कैफे भी ओपन कराना है मोनिका का। तो भाई आज हम जा रहे हैं कई दिन के बाद बीच पे पार्टी करने हैं, पार्टी का कुछ सामान लाए नहीं हम, पार्टी करने नहीं जा रहे आज हैं, पार्टी नहीं बस घूमने जा रहे हैं तीनों बहुत दिन के बाद भाई, तो नहीं तो मैं और मोनिका ही जाते थे यूजुअली, एंड में चलेंगे ठीक है। और मैं मिस करूंगा थोड़ा अपनी पार्टी वार्टी करना अभी उस पे बीच पे जो हम यूजुअली करते रहते थे पहले से, आज ये सेकंड डे हो गया व्लॉग का, कल व्लॉग ही नहीं बनाया फिर बाद में, बड़ा बोरिंग सा हो गया आजकल मैं भी ना? चलो कोई नहीं चलेगा। हाँ आज मौसम अच्छा हो रखा है, बहुत धूप बड़ी अच्छी निकली है, बादल भी अच्छे, वो मतलब आसमान भी अच्छा हो रखा है, बादल अच्छे हो मत बोलो बादल अच्छे हो जाते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं, हमारा बिजनेस बुरा हो जाता है। चलो तो भाई अभी मार्केट ऐसा हो रखा है बिल्कुल सुनसान है इधर भी, फुल तो सारा गया पर हाँ, सुनसान बिल्कुल, ज्यादा लोग दिख ही नहीं रहे हैं। और भाई सी का कलर बड़ा अच्छा हो रखा है अभी, बहुत ही प्यारा लग रहा है साइड में मैंने देखा, अभी चल के दिखाते हैं, फिलहाल पहले पहुंचते हैं अपने अड्डे पे, अड्डा ही है अपना वो। हाँ ये है जी, कुछ मार्केट में है ही नहीं कोई बंदा, टूरिस्ट ही नहीं है, इक्का दुक्का कोई दिख रहा है वो भी फॉरेनर्स, हम कह रहे हैं हाँ हम कह रहे हैं हम खाली बैठे हैं या तो बीच पे भी खाली बैठे हैं। पप्पा जी कितने थे आयो, ओए ओए रुका रे रुका रे रुका रे, मुझे निकल जान दे भाई,
चलो यहाँ पे दिखे भी थोड़े से लोग, भीड़ भाड़ सी, नहीं वो सब लोकल्स की भीड़ भाड़ है, थोड़ी स्कूटियां और स्कूटियां कुछ चल रहा है इधर, है ना। ये लो पहुंच गए, क्रॉस हो गया भाई। स्काई का कलर रखा है ऐसा, धूप आज बहुत कड़क है, पूरा चेंज हो गया एकदम ही, पगोंडा भी चेंज लग रहा है पूरा। बहुत दिन के बाद आज हम इधर आए भाई बीच की तरफ, चलते हैं पहले बीच पे चलेंगे सीधे। अब यूजुअली हम पहले यहाँ से जाते थे, अब यहाँ भाई पार्किंग हमारी गिर गई, पार्किंग तो है पर निकलने को रास्ता अच्छा नहीं है और गाड़ी भी धूप में उठती खड़ी, तो इसलिए हम इधर से जा रहे हैं बिल्कुल एंड पे। इधर भी थोड़ा पानी भरा हुआ है बारिश अभी, क्योंकि रुकी नहीं रही है। आज अच्छा मौसम हो गया, दो दिन बाद फिर बारिश हो जाएगी, ह्यूमिडिटी होगी, अभी ऐसे ही रहेगा। अच्छा मेरी वजह से बारिश हो रही है ऐसे कह रहा है, जैसे मैं ही बारिश करा रहा हूँ। ये लो जी अपने पहुंच गए पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल है, बरगद है, क्या है, बरगद है, पीपल के पेड़ तो घूमते रहते हैं। हाँ। तो जी ये हमारा यहाँ पे पार्टी प्लेस हुआ करता था, अभी तो ये पतझड़ की वजह से ना पूरे पत्ते झड़ गए, वो भी नहीं है अच्छी। आ गया, नींद आ रही है, नींद आ रही है। कितने बजे उठा था आज सुबह? 3 बजे उठ के, इसके एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा कलर देखो स्काई का क्या प्यारा हो रखा है भाई, पीछे बादलों के बीच में तो अलग ही लगता है, मस्त एकदम। चलो जी अगोंडा बीच दिखाते हैं कैसा हो रखा है अभी फिलहाल पहले आपको, बाकी करेंगे बाद में बातें। तो जी ये है कुछ ऐसा अगोंडा बीच, ये देखो उधर दूर तक लोग घूम रहे हैं, थोड़े थोड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे की तरफ इधर थोड़े उधर की तरफ दिखेंगे, आज बिल्कुल साउथ एंड पे आए हुए हैं हम। अभी आसमान जैसा खुला हुआ है तो पहाड़ भी बड़ा प्यारा लग रहा है और कलर भी बहुत अच्छा हो गया सी का भाई आज तो एकदम। आगे ग्रीन ब्लू वो मतलब अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। मोनिका कलर देखो कलर, आज तो मन कर रहा है स्विमिंग करने से भी जाने। हाँ स्विमिंग कर रहे हैं वैसे लोग, अभी थोड़ा थोड़ा स्विमिंग करने लगे, अब ऐसा कुछ हो रखा है भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है सच में। कलर तो ऐसा लग रहा है देखते ही रहो इसको थोड़ी देर बैठ के ना, पर बारिश हो गई तो फिर उसके बाद में ऐसे ही हो जाना है। ये हाल है भाई ऐसे कुछ अपने अगोंडा बीच के। करना है स्विमिंग चले कहाँ? स्विमिंग नहीं करनी ना। ये बोर हो रहा है आज तो जी, चलते हैं अभी। अक्षु ने बोला है किसी दिन स्विमिंग का प्लान बनाएंगे तब आएंगे, तो भाई प्लान बनाना पड़ेगा मुझे, एक आध घंटे का टाइम निकाल के और आके स्विमिंग करके फिर जाएंगे। अभी इसकी छुट्टियां होने वाली है ना दिवाली की, तो फिर उसके बाद में फिर रोज स्विमिंग का प्लान बनाते रहेंगे हम बीच बीच में, क्योंकि इसकी छुट्टी हो जाएंगी तो फिर इसको स्कूल नहीं जाना और सुबह सुबह में हम अपना स्विमिंग कर सकते हैं। चलो ऐसा कुछ हो रखा है अभी अगोंडा बीच पूरा शानदार खूबसूरत तो लग रहा है बहुत आज, और इधर की तरफ देखो व्यू ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, पीछे ये पूरा पहाड़ है इस साइड में। तो भाई यहाँ पे हमने गाड़ी कर दी थी पार्क, यूजुअली हम पहले यहाँ डेली आते थे अपना पार्टी वार्टी करके जाते थे, यहाँ बहुत पार्टी वूटी चलती हैं, लोकल लोग आते हैं काफ़ी। उधर भी देखो पार्टी चल रही है, ये देखो इधर धुनी उनी लगी पड़ी है। चलो अभी निकलते हैं क्योंकि भाई अभी यहीं पे नहीं घूमते रहना, हमें जाना है अपने उधर भी रेस्टों पे भी। आए थे थोड़ी देर के लिए तो अक्षु स्कूल से आया था, सोचा कि भाई चलो घूम कर आते हैं। आ जाओ चलो चले। चलो जी कैसा लगा भाई बीच? अच्छा हो रखा है ना, वैसे अच्छा लगा चलो भाई निकलते हैं। और जी स्काई का कलर तो देखने लायक हो रहा है आज, धूप भी बहुत कड़क है, गर्मी भी लग रही है। हाँ,
आ जाए ना, इसीलिए तो स्विमिंग वाला हो रहा है। हाँ, गर्मी तो चाहिए गर्मी वाला स्विमिंग के लिए, और थोड़ा ह्यूमिडिटी भी रहेगी आज देखना, शाम में जरूर ह्यूमिडिटी बनेगी आज, क्योंकि धूप जैसी है ना उस हिसाब से ह्यूमिडिटी हो जाती है शाम तक। बीच दिखा के लाए, बीच पे देखो जी ऐसा बढ़िया वेदर हो रहा था, और ये देखो बादल आ गए, बारिश पड़नी शुरू हो गई है, इधर से काला बादल आ गया अपने रेस्टोरेंट पे, इधर की तरफ अभी खुला हुआ है पर बादल है ऊपर, और जी बारिश पड़नी शुरू हो गई है हल्की हल्की, ऐसा सीन रहता है, बारिश होनी शुरू हो गई भाई। तो जी अभी चलो लंच उंच करते हैं, 2:30 बजे का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, और अभी टूरिस्ट बहुत कम है, बहुत कम, मतलब बीच साइड भी नहीं है और इधर भी बहुत कम है, तो भाई अभी हाँ ऐसा रहेगा, अभी चलेगा। बाकी जी आज दिखाया आपको बीच इस वीडियो में, तो हमें भी अच्छा लगा बीच, लेकिन सही टाइम पे देखे आए, लेकिन अब जाते ना तो अभी नहीं देख पाते, अभी बारिश होनी शुरू हो गई है। हाँ अब बारिश होनी शुरू हो गई है, और मुझे लग रहा है आज फिर बारिश सब पड़ेगी, बादल बहुत तेज गरज रहा है ऊपर। तो जी चलो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और गोवा आ रहे हो तो भाई रेस्टोरेंट पे विजिट भी करके जाना, मिलकर जाना, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।